नटराज की पेंसिल, कटर और मिटौना से लेके स्टेडलर की पेंसिल, टोम्बो मोनो के इरेजर और स्क्रैपर तक। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम हमारे और आपके बचपन में बीतने वाले कला या आर्ट के जर्नी के बारे में बात करेंगे, जो हमने और आपने अपने अपने बचपन में जिया है। तो दोस्तों, चाइल्डहुड में अगर आर्ट के यादों की बात करें तो सबसे पहले हम मटेरियल्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें नटराज की पेंसिल, इरेजर और शार्पनर सबसे मुख्य किरदार में रहते हैं। और इसमें अगर पेंसिल की बात करें तो HB ग्रेड वाली पेंसिल ही यूज करने को मिलता था हम लोगों को, जिसमें पेंसिल छिलते छिलते कभी ख़त्म हो जाता था, कभी टूट टूट के ख़त्म हो जाता था, और लास्ट तक यानी कि ब्लैक पॉइंट तक शार्पनर से छिल लेना पेंसिल को, ऐसा लगता था कि बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर लिए। भले ही पेंसिल छोटी हो जाने की वजह से उसका यूज़ ना करें, उससे लिखे ना या फिर उसे चलाएं ना, लेकिन वहाँ तक छिल लेना अपने आप में लगता था कोई बहादुरी का काम कर लिए हैं। और अगर इरेजर की बात करें तो इसे हम लोग मिटन्ना या फिर रबर बोलते थे। अगर आप यूपी बिहार से होंगे तो आपको पता होगा, अगर आप किसी दूसरे जगह से हैं तो आप इसे इरेजर ही बोलते होंगे। और इरेजर तो मुझे नहीं लगता कि आज तक किसी ने पूरा का पूरा यूज किया होगा, ज़्यादातर वो खो ही जाता है। पेज तो इरेजर से इतना फटता था कि मतलब क्या ही बताएं। शार्पनर की अगर बात करें तो वो तो ना तो टूटता था और ना ही ख़राब होता था, बस गुम हो जाता था। तो दोस्तों, ये तीन तो सिर्फ प्रिंसिपल मटेरियल थे किसी भी बच्चे के लिए, असली आर्ट मटेरियल तो अब आने वाला है आपके सामने। अगला मटेरियल है स्केच। छोटे बच्चों के कला का हथियार के रूप में अगर इसको देखा जाए तो कुछ कम नहीं होगा, जो कि कैमल का होता था, जिसमें 12 स्केचेस होते थे, जिसमें रेड कलर सबसे पहले सूखता था, क्योंकि बच्चे रेड कलर को सबसे पहले ही अप्लाई करके ख़त्म कर देते थे, और पूरा कलर सूख जाने के बाद पीछे से खोल के पानी की दो बूंद डाल के चलाने का अपना अलग ही मज़ा था। और नेक्स्ट मटेरियल है वाटर कलर। ये भी कैमल का होता था, इसमें भी 6 सेट वाले मिलते थे या फिर 12 सेट वाले मिलते थे। इस वाटर कलर के साथ एक ब्रश मिलता था, उससे हम कलर भी करते थे और कैलीग्राफी भी। और इस थकान भरे ब्रश की अगर बात करें तो कभी कभी अब लगता है कि ब्रश का यूज ना करके हाथ से ही हम अगर कलर कर देते तो इस ब्रश से तो ज़्यादा ही अच्छा हो जाता। वाटर कलर को पोस्टर कलर की तरह यूज करते थे। अगर आपको वाटर कलर और पोस्टर कलर दोनों में अंतर पता है तो आप समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूँ। इन सब के अलावा एक ड्राइंग बॉक्स होता था, जो कि मेटल टीन का बना होता था, जिसके ऊपर लिखा होता था सैनिक या फिर सोल्जर, जिसमें जगह कुछ इस तरह से होती थी कि अगर आप पेंसिल, इरेजर और शार्पनर रख दें, उसके बाद उसमें स्केल वगैरह रख दें, तो आपका स्केच रखने के लिए उसमें जगह कम पड़ जाता था। कुछ स्केचेस तो उसमें आ जाते थे, बाकी स्केच बैग में या फिर कहीं और जुगाड़ करके रखना पड़ता था। अच्छा, इन सब के अलावा आपके ड्राइंग बॉक्स या ज्योमेट्री बॉक्स में अगर ज्योमेट्री वाले मटेरियल्स हैं, जैसे कि इंची, चांदा, गोला प्रकार वगैरह, अगर आप यूपी बिहार से होंगे तो आपको इंची ज़्यादा और गोला प्रकार का मतलब समझ में आ रहा होगा, और बाहर से होंगे तो इंची का मतलब स्केल होता है और कंपास का मतलब होता है गोला प्रकार। ये सब अगर साथ में रहता था तो आप अपने आप में तो राजा थे एकदम, मतलब इतना सामान है, भले उसका यूज हो या ना हो लेकिन है सब कुछ। कभी कभी तो उसको बिना मतलब के खोल के देख के गिन के फिर रख देते थे। इन सब के अलावा जो सबसे खास चीज होता था वो होता था ड्राइंग कॉपी। मतलब वो इस तरह का ड्राइंग कॉपी होता था जिसमें वो आपके बैग में सबसे सेफ प्लेस जो होता था, आपके बैग का जो सबसे सेफ वाला पार्ट होता था, उसी में वो रहता था बहुत ही अच्छे से, उसका कोई पेज खराब ना होने पाए, भले ही पूरी कॉपी किताब रखे हुए बैग में मैथ फिजिक्स वाले फट जाएं, लेकिन वो कॉपी ड्राइंग वाली एकदम सेफ, जो कि 10 से या 5 रुपए की होती थी,
जिसमें ये शर्त रहता था कि इसके पेज के आगे और पीछे दोनों तरफ आपको ड्राइंग करनी है, भले ही उसको कलर भी करना हो। और कलर करने के बाद तो एक दूसरे के पेज के ऊपर नीचे दोनों तरफ छप जाता था। लेकिन हाँ, शर्त यही रहती थी कि बनाना दोनों तरफ। उसको किसी को दिखाने से पहले, यानी कि टीचर या फिर किसी अदर पर्सन को दिखाने से पहले, जो दिल में धक धक होता था वो एक अलग ही लेवल का फील होता था, जिसमें कुछ पेज की पेंटिंग्स अपने आप में एक मास्टरपीस पेंटिंग होती थी, जिसको हम खुद देख के हमारा दिल बाग बाग उठता था। वो वाली पेज जब कोई टीचर या किसी जिसको हम दिखाने के लिए बैठे हुए हैं, जिसको दिखाने के लिए हम दिए हुए हैं, वो वाली पेज पलटने से पहले जो दिल की धड़कनें बढ़ती थी ना 72 से 92, वो अलग ही फील होता था। बस इन्हीं कुछ वजहों से वो ड्राइंग कॉपी पूरे बस्ते में, पूरे बैग में, सभी किताब और कॉपियों के बीच राज करता था। और अगर ड्राइंग की टॉपिक की बात करें तो हम बनाते थे आम, अनार, मूली, गाजर और साड़ी का किनारा। साड़ी का किनारा, अगर आप यूपी बिहार से होंगे, मुझे नहीं पता बाकी स्टेट्स में क्या चलता है, लेकिन अगर आप यूपी और बिहार के हैं तो साड़ी का किनारा से आपका बढ़िया पल्ला पड़ा होगा। मतलब ये साड़ी का किनारा उस वक्त के कला के क्षेत्र में ऐसा टॉपिक था जिसमें अगर आपसे कंपेयर करें तो हमारा पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, स्टिल लाइफ, मॉडल स्टडी सब उसी में समाहित था। मतलब साड़ी के किनारा का क्रेज कुछ इस कदर था कि अगर आप 4 और 5 में हैं तो आपको साड़ी का किनारा बनाना पड़ेगा, अगर आप 10th और 11th या 12th में हैं तब भी आपको साड़ी का किनारा ही बनाना पड़ेगा, और अगर इससे आप बच गए तो आपको प्राकृतिक दृश्य बनाना पड़ेगा, लैंडस्केप नहीं, प्राकृतिक दृश्य, जिसमें आपको वही झोंपड़ी, वही खरगोश, वही मोर, वही नदी, वही पहाड़ बनाना पड़ेगा। बार बार सेम उसी पोजीशन में आप रख के बनाते थे। तो इन सब साड़ी का किनारा और प्राकृतिक दृश्य में भरपूर मेहनत करने के बाद हम लोग अपनी ड्राइंग क्लास के हीरो कहे जाते थे। भले ही और सब्जेक्ट जैसे कि इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ में कुछ आए या जाए या ना, लेकिन ड्राइंग के तो हीरो हम ही रहते थे। और मुझे यकीन है कि आप सब भी अपने अपने क्लास में ड्राइंग वाले तो हीरो रहे ही होंगे, अगर आप फाइन आर्ट अभी कर रहे हैं या फिर सीख रहे हैं कुछ भी। तो अब आता था ड्राइंग का एग्ज़ाम, जिसमें एक रात पहले से ही नींद उड़ जाती थी। नींद नहीं आती थी कि कल अपना वाला एग्ज़ाम होगा, यानी कि ड्राइंग का एग्ज़ाम होगा, जिसमें आप तो अपना बनाएंगे ही, साथ ही साथ 2-4 दोस्तों का भी बनाएंगे, जिसमें आपको टीचर भी बोलेंगे कि बेटा इसका बना दो। मतलब एजुकेशन का लेवल, मैथ में आप चीटिंग नहीं कर सकते, फिजिक्स में, इंग्लिश में आप चीटिंग नहीं कर सकते, लेकिन अगर ड्राइंग की क्लास आती थी तो आपको सबका बनाना पड़ता था। पर्सनली मैंने तो कई लोगों का बनाया, और आई होप कि आप लोगों ने भी बनाया होगा। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से हम और आप अपने अपने बचपन में कलाकारी किया करते थे। आई होप कि आप अपने अपने आप को इस वीडियो के सहारे कनेक्ट कर पाए होंगे, रिलेट कर पाए होंगे, और कुछ चीज़ें जो छूट गई हों और आपको लग रहा होगा कि ये भी चीज़ें हमको ऐड करना चाहिए था इस वीडियो में, तो आप वो कमेंट करके बताइए। और साथ ही साथ अपने बचपन में कुछ इंटरेस्टिंग आर्ट से रिलेटेड किस्सों को कमेंट करके बताइए। और इस वीडियो से अगर आप अपने आप को कनेक्ट कर पाए हैं, अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको कैसा लगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, और अपने उन दोस्तों को शेयर करिए जो आर्ट से जुड़े हुए हैं। आपको आपके लाइफ के लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।